है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भगवान की कथा ही एकमात्र कथा है, बाकी सब व्यथा है। चिन्मयानंद बापू गोवर्धन गुरु कृष्णी आश्रम गिरिराज गोवर्धन की पावन धरा पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन पूज्य बापू जी ने कहा कि संसार में यदि हमें कुछ अच्छा देखना है तो हम ठाकुर का दर्शन करें, यदि हमें कुछ अच्छा सुनना है तो हम ठाकुर जी का कथा का रसपान करें, यदि हमें कुछ सेवा करने का मन है तो हम ठाकुर की सेवा करें, क्योंकि संसार में भगवान ही हर जगह विद्यमान है और यह पूरा संसार भगवत स्वरूप है। कण कण में गिरिराज जी मौजूद हैं, आप जिधर देखेंगे वहां प्रभु हैं। पूज्य बापू जी ने कहा कि ठाकुर आपके मन के भाव को देखते हैं, वे ये नहीं देखते कि आपने कैसी सेवा की है और किस तरह सेवा की। ठाकुर जी यह देखते हैं कि किस सेवा के समय आपके मन का भाव कैसा है, और भगवान को निर्मल मन ही प्रिय है। निर्मल मन वाले ठाकुर जी को पानी में सफल होते हैं, इसलिए ठाकुर जी की सेवा निर्मल मन से और निष्काम भाव से करें। आज पूज्य बापू जी ने जतिपुरा मुखारविंद में ठाकुर जी का दुग्ध अभिषेक और पूजन अर्चनन किया और श्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन भक्तों के साथ की है। कथा में मुख्य यजमान श्री नंद किशोर सुगंधी, श्री मुरारी लाल जी गोयल, सुमन गोयल ट्रस्टी, मयंक वैद्य हर्षवर्धन, कौशिक गणेश पहलवान आदि उपस्थित रहे।